जिला प्रशासन के द्वारा दीपावली पर्व पर पटाखों की बिक्री को लेकर दो दिनों के लिए भागलपुर शहरी क्षेत्र में तीन जगह को आवंटित किया गया है, जिसमें भागलपुर का जिला स्कूल भी शामिल है। जिसके बाद आज सुबह भागलपुर की सैकड़ों फुटकर दुकानदार अपना दुकान लगाने जिला स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां ओपन बोर्ड का एग्जाम होने के कारण स्कूल प्रबंधन के द्वारा उन्हें जिला स्कूल परिसर में दुकान लगाने से रोक दिया गया। जिसके बाद दुकानदार आक्रोशित हो गए और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गोलबंद होने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद सांदिल्य नंदिकेश जिला स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी सदर एसडीओ धनंजय कुमार को देते हुए फुटकर विक्रेता और आम लोगों की सुविधा के लिए लाजपत पार्क में दुकान लगाए जाने की मांग की, जिसके बाद एसडीएम ने तुरंत सभी दुकानदारों को लाजपत पार्क में लगाए जाने का आदेश निर्गत कर दिया। सुबह अभी बार बार फोन आ रहा था कि भैया स्कूल बंद है और पटाखों को बिक्री के लिए दिवाली में जिला स्कूल हर साल प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो इस बार ऐसा हुआ है कि आज शायद किसी बोर्ड का एग्जाम है 5 बजे शाम तक, तो आज कल दो ही दिन है पटाखा व्यापारियों के लिए पटाखा बेचने के लिए, तो वो यही बोल रहे थे कि भैया यहाँ स्कूल में जगह नहीं दिया जा रहा है तो कुछ बात किया जाए। तो जब हम आए तो देखें यहाँ करीब 100-150 व्यापारी थे जिनको बाहर निकाला जा रहा था, प्रशासन पुलिस प्रशासन बाहर सड़क पर इजाज़त नहीं दे रही थी उनको बेचने के लिए। तब हमने भागलपुर के सदर SDM धनंजय सर से बात करी, सर भी फ़ोन करके तुरंत उनको लाजपत पार्क शिफ्ट करवाया गया कि आज कुछ भी जो भी फुटकर व्यापारी उनको नुकसान ना लगे और जितना जल्दी हो सके सर ने तुरंत तत्काल प्रभाव में आदमपुर थाना इंचार्ज रंजीत बाबू को भेजकर यहां से सबको लाजपत पार्क शिफ्ट करवाया। विशेष धन्यवाद सर का जिन्होंने इतनी तेज पहल करी है और लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं। हिंदू धर्म के तमाम बड़े त्योहारों में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाय के साथ शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जलार्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी माँ की पूजा काफी नियम निष्ठा से की जाती है। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार, SDM धनंजय कुमार, DSP, CT, DSP, DCLR, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी तथा समितियों के लोगों ने कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। जहाँ त्रुटियां पाई जा रही है उसे जल्द दुरुस्त करने की बात की। वहीं DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर में सबसे ज्यादा पुल घाट में छठ पूजा को लेकर अर्घ के समय भीड़ लगती है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। दलदल को समाप्त करने के लिए बांस बल्ले और कसाल बिछाए जा रहे हैं, साथ ही बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसको लेकर हम लोग तत्पर है। 200 मजदूरों को लगाकर साफ सफाई कराई जा रही है, लेकिन इसमें मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जा रही है जिससे कि घाट और दुरुस्त हो सके और श्रद्धालुओं किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत 2021 में ही बरारी रिवर फ्रंट और जो हम लोगों का ये जोक्सर रिक्रिएशनल स्पेस है जिसमें मेन बुरानाथ मंदिर जो है काफ़ी विख्यात, उसको डेवलप करने का हम लोगों ने प्लान अप्रूव कराया था। थोड़ा सा जो है उसमें फॉरेस्ट के क्लियरेंस के कारण कुछ डिले भी हुआ, खास करके बरारी एरिया में। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। इस बार चूंकि सारे जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि नदी का पानी काफ़ी तेज़ी से घटा है, पिछले एक सप्ताह में भी जो आप देख रहे हैं पानी घटा है, अभी और पानी का स्तर जो है नीचे जाएगा, उसको लेकर के समस्याएँ हो रही हैं। नगर निगम की टीम लगी हुई है, यहाँ 200 मजदूर कल से जो है नगर निगम दे रहा है, उसको हम लोगों ने बोला है समिति के अनुरोध पर कि 250 के लगभग मजदूर कर दिया जाए। सोलर लाइट्स वगैरह सब लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा वही समस्या है कि पानी इस बार काफ़ी घट गया है जिसके कारण दिक्कत हो रही है समिति को भी नगर निगम को भी, तो उसको और जितना बेहतर हम लोगों से बन पड़ेगा। 250 लेबर नगर आयुक्त साहब यहाँ पर चूँकि काफ़ी भीड़ होती है लगाएंगे, और अगर पंप से उस साइड से पानी ला करके इधर भरना होगा तो वो भी हम लोग पंप से पानी ला करके छठ से पहले भर देंगे ताकि लोगों को जो भी छठ पड़ती है उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो। तो ये सारा प्रयास नगर निगम के स्तर से जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। मैं सुबोध कुमार शाश्वत प्रपति की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को काली पूजा एवं छठ पूजा की ढेर सारे शुभकामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर आवे पधारे और सुख समृद्धि आप लोग को दे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ छठी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्योहार के उमंग में
बाधा नहीं पड़ जाए इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विशाल कुमार अंग डेवलपर्स जीरो माइल भागलपुर की ओर से आप तमाम देशवासियों को एवं शहर वासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माँ काली। दिनांक 10 नवंबर 2023 को धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके शहर भागलपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आभूषणों की नए नए डिजाइनों के साथ गणपति ज्वेलर्स सोनापट्टी का सेकंड ब्रांच श्री गणपति ज्वेलर्स, सोने की गहनों की बनवाई पर 50% की छूट एवं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार, विगत 20 सालों से आपकी सेवा में। तो आइए इस त्योहार को बनाइए कुछ खास श्री गणपति ज्वेलर्स के साथ। हमारा पता है खरमनचक आबकारी गोदाम के निकट भागलपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 9470761103। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नगछिया के परबत्ता थाना अंतर्गत बहतरा का रहने वाला 10वीं का छात्र अपने दोस्तों के साथ सब्जी लेने के लिए बाजार निकला था, तभी रास्ते में कुछ अपराधी किस्म के लोगों से तू तू मैं हो गई और अपराधियों ने इस युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। युवक को गोली लगने से वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसे आनन-फानन में मायागंज अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत बहतरा गांव के रहने वाले 10वीं के छात्र रोशन कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शी मृतक के दोस्त ने बताया कि बिजली के पोल में गाड़ी धोखे से टकरा गई, तभी आदि किस्म के लोग गाली गलौज करने लगे और मेरे दोस्त रोशन को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। बोला था कैसे मारपीट हुआ, कैसे इनका मर्डर हुआ? गली में जो ना मेरा दोस्त ने बोला कि चलो नाश्ता करेंगे हटिया में, ये जो अभी का एक्सीडेंट हुआ ये बोला चलो इधर थोड़ा सा जो गाड़ी है ना पोल में कटा, पोल में कटा, उधर से आदमी का गिर गया, कहता दिख नहीं चला है तो भैया इसे थोड़ा सा गलती हो गया, इसी ने दो थप्पड़ हम दोनों को लगा दिए बस गाड़ी को पलटा दिया उधर ही पलटा दिया, हम उसको जितके निकाले तो उसका गोल चिरा गया था। तभी वो सब आदमी आके कहता है इधर नशा बात करता है, नशा में फूल आए, हम सब दारू भी नहीं किए थे, बस उधर से आके सब मार दिया। किस जगह घटना हुई थी? भोलाबाग खान के जगह का नाम हरी अलग। कौन कौन मारपीट किया था, कौन गाड़ी उल्टाया था? गाड़ी उल्टाया था लोग था। क्या नाम था वो लोग का? नाम उसका नहीं जानते, शंकर मंडल था। वही बोला कि इसको सबको मारे, शंकर मंडल ने बोला था उसको मारने के लिए हम सबको। जो जिसका मर्डर हुआ इसका क्या नाम है? इसका नाम रोशन कुमार है। क्या चीज से मारपीट किया था? मारपीट वही गाड़ी पलटाया, लात एक लात मार दिया है इसके, हाइड्रोजन इधर भी लगा होगा, इधर नहीं साथ था और हमको उधर से खींच लिया, हमको इधर एक बगल में हमको भी मारने लगा, हम घुसनिया पार लिए थे कपार पर ना उसने सगर मारा है। फोन कर लिया हटिया
पहले कॉल करिए तो बाजार में छो पप्पा चू रहे सब्जी लेने गया था ये लड़का विद्यार्थी। कौन मारपीट किया है? मारपीट यही शंकर मंडल सब है वहाँ इंद्र मंडल मनोज मंडल इलाची इलाची मंडल। क्या काम करता था आपका बेटा? पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? सेवन का विद्यार्थी। मारपीट का क्या कारण है? कुछ नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं में गाड़ी लग गया तो मारने कैसे गाड़ी टोटो भी पलटा है? वही मार के टोटो पलटा दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज यादव। फिर बेटा का क्या नाम है? घर कहाँ हुआ? भागलपुर पुलिस की तरह अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद शराब तस्कर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इस कानून को लेकर सरकार सख्त है और इस कानून को और सख्ती से लागू कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी बिहार में अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। वही नाथनगर थाना पुलिस ALTF और CIT की तरह संयुक्त रूप से छापेमारी कर इलाके के बाबू टोला मोहल्ले में गुप्तचरों की मदद से मिली सूचना पर 17 कार्टून में कुल 258 बोतल इंपीरियल ब्लू रॉयल स्टेग और ब्लेंडर फ्राइड कंपनी की विदेशी शराब बरामद किया गया। छापेमारी के भड़क लगते ही शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काली पूजा में शराब को खपाने की तैयारी थी। मामले पर नाथनगर थानेदार मोहम्मद महताब खान ने कहा कि गुप्तचरों से मिली सूचना के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस एंटी लीकर टास्क फोर्स और CIT की मदद से अवैध शराब बरामद किया गया है। फरार शराब तस्कर का पता लगाया जा रहा है।